रहुई प्रखंड इलाके के भागन बीघा के समीप स्थित गौतम इंस्टीट्यूट का आज 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर कॉलेज परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के सचिव त्रिपुरारी लाल ने बताया कि आज से 12 वर्ष पहले गौतम इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। स्थापना दिवस के मौके पर छात्राओं द्वारा तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति किया गया। इंस्टीट्यूट परिसर में ही नर्सिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने गौतम इंस्टीट्यूट एंड नर्सिंग पैरामेडिकल के 3 सफल छात्र को मंच पर बुलाकर उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने दहेज के प्रति अंधविश्वास को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। छात्राओं के द्वारा एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। हम लोग गौतम ग्रुप की 12वीं स्थापना दिवस का आयोजन कर रहे हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम दो तीन दिनों से चल रहा है। कल 6 दिसंबर को हम लोगों ने अपने गौतम ग्रुप के हिलसा कैंपस में ये कार्यक्रम किया था और आज 7 दिसंबर को बिहार शरीफ कैंपस भागन बिहार में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गौतम ग्रुप की स्थापना आज से 12 वर्ष पहले हुई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जैसे नर्सिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज जिसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इस तरह के कार्यक्रम संचालित होते हैं मेरे विभिन्न संस्थानों में। और उसी का हम लोग 12वां स्थापना दिवस आज बिहार शरीफ कैंपस में मना रहे हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम त्रिपुरारी लाल है, मैं गौतम ग्रुप का सचिव।